पिछले दिनों कश्मीर के अनंतनाग में एक गांव के सरपंच अजय पंडित की हत्या को लेकर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने केंद्र की मोदी सरकार पर तंज कसते हुए मुरादाबाद में प्रदर्शन करते हुए एक ज्ञापन सौंपा। दरअसल हिंदू सरपंच अजय पंडित को आतंकवादियों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी, जिससे देश भर में पंडितों में खासा रोष है। इस हत्या पर अपना विरोध दर्ज कराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने मुरादाबाद कलेक्ट्रेट पहुंचकर केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए विरोध प्रदर्शन किया और एक ज्ञापन भी सौंपा। क्या नाम है आपका? मनोज व्यास। मनोज जी, किस संबंध में आज ज्ञापन दिया गया है? आज जो ज्ञापन दिया गया है, अभी कश्मीर के अंदर आतंकवादियों ने वहाँ के अजय पंडित, जो एकमात्र वहाँ पर विस्थापित रह गए थे, कश्मीर वहाँ पर आतंकवादियों ने उनको गोली से छलनी कर दिया। वो प्रधान थे, चुनाव लड़कर जेल सेवा कर रहे थे। आज तक 90 के आसपास जो वहाँ से कश्मीरी पंडित निकाले गए, तब हम कहा करते थे कि वहाँ पर आतंकवादियों की सरकार है, वहाँ पर मुस्लिम लीगियों की सरकार है, वहाँ कश्मीरियों की सरकार है, वहाँ पर 370 लगी हुई है, वहाँ 35 एज लगी हुई है, वहाँ पर मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, हम कुछ नहीं कर सकते। अब वहाँ पर 35 ए भी समाप्त हो गया, 370 भी समाप्त हो गया, केंद्र की सरकार का पूरा हस्तक्षेप है, राष्ट्रपति शासन है, और फिर भी अगर वहाँ पर हिंदुओं की हत्या हो रही है, कश्मीरी पंडित की हत्या हो रही है, तो ये जघन्य अपराध है। सीधा सीधा केंद्र सरकार और केंद्र सरकार से संबंधित जो वहाँ पर राष्ट्रपति राज्यपाल महोदय हैं, उनकी अक्षमता प्रदर्शित होती है।